नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है जिशान और आप देख रहे हैं जिशान हॉरर चैनल को। आरा शहर की वर्षों पुरानी घटना है, उस जमाने की जब एक्का और बक्की चला करती थी। करीम मियाँ कभी कभी देर रात तक एक्का चलाया करते थे। बड़ी चौक के पास टमटम पड़ाव था। एक रात की बात है, करीम मियाँ सवारी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि 10-15 मिनट देख लेते हैं, सवारी मिली तो ठीक है, वरना घर वापस लौट जाऊंगा। कुछ देर बाद वे घर जाने के लिए एक्का मोड़ रहे थे कि आवाज़ आई, ए एक्का वाले चलोगे? करीम मियाँ ने देखा तो दो बुजुर्ग मौलाना सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने खड़े थे। उनके गले में सोने की चैन थी, एक के हाथ में छड़ी थी। उन्होंने फिर से पूछा, चलोगे क्या? क्यों नहीं सरकार, जरूर चलेंगे। कहा, कहाँ चलना है? हमें नवादा कब्रिस्तान वाली मस्जिद में जाना है और फिर यहीं वापस लौटाना है। 10-15 मिनट वहाँ रुकेंगे, चलोगे? चलूँगा हुजूर। देखो इक्के वाले, तुम चलो, तुम्हें उम्मीद से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है सरकार, आइए बैठिए, आप लोग बड़े आदमी हैं, जो देंगे रख लेंगे। वे लोग इक्के पर बैठ गए। करीम मियाँ ने उसे सड़क पर दौड़ा दिया। मुश्किल से 2 किलोमीटर का रास्ता था, सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं था। 10 मिनट में पहुंच गए। दोनों मौलाना उतरे और करीम मियाँ को इंतज़ार करने के लिए कहकर मस्जिद की तरफ आगे बढ़ गए। करीम मियाँ तम्बाकू मलने लगे। 15 मिनट बाद वो वापस लौटे और इक्के पर बैठते हुए वापस लौटने को कहा। करीम खान ने इक्के को वापस लौटा दिया। रात के सन्नाटे में दौड़ता हुआ इक्का कुछ ही देर में बड़ी चौक के पास पहुंचा। मौलाना नीचे उतरे। उनमें से एक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? करीम ने अपना नाम बताया। उन्होंने 100 का नोट देते हुए कहा, तुम हमें रोज़ इसी वक्त यहाँ से नवादा ले जाना और ले आना। ठीक है सरकार, हम रोज़ आपका इंतज़ार करेंगे, लेकिन आपने इतना बड़ा नोट दिया, मेरे पास इसका छुट्टा नहीं है, खुदरा की ज़रूरत नहीं है, यह पूरा तुम्हारा है और रोज़ तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन सरकार, यह तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो हम महीने में भी नहीं कमाते हैं। वे हंसते हुए बोले, कल ठीक टाइम पे आ जाना। उस ज़माने में 100 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा थी, अच्छे अच्छे अधिकारियों का भी वेतन इतना नहीं होता था। करीम मियाँ सोचते हुए घर की तरफ बढ़ गए। अगले दिन से वो रात को मौलानाओं को इंतज़ार नहीं कराते थे। पैसा आने पर घर की हालत सुधरने लगी, रहन सहन का स्तर सुधरने लगा। पास पड़ोस के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी लॉटरी लग गई है। कुछ लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी। थाना के दरोगा ने रात के वक्त चौक पर सवारी समेत करीम मियाँ को दबोच लिया और टाउन थाना में लाकर बंद कर दिया। उन्होंने पूछा कि वे लोग कौन सा धंधा करते हैं। करीम ने सफाई देनी चाही तो बोले, ठीक है, सुबह मैं बात करूंगा। सुबह के वक्त दरोगा जी थाने पहुंचे तो हाजत में करीम खान अकेला नजर आया। उन्होंने पूछा, मौलाना लोग कहाँ हैं? सरकार, हमें झपकी आ गई थी, आँख खुली तो वह पता नहीं कहाँ चले गए। चाबी तो मेरे पास थी, ताला भी बंद था, फिर वे कैसे निकल गए? दरोगा ने बड़बड़ाते हुए कहा। सही सही बताओ, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सरकार, ये मौलाना लोग रोज़ मेरे इक्के पर नवादा जाते और वापस आते थे, 100 रुपया रोज़ देते थे, वो कोई जिन या भूत तो नहीं थे? पता नहीं साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, भाड़ा इतना ज़्यादा देते थे तो उनको ले जाने से मना कैसे कर सकता था। ठीक है, तुम जा सकते हो। करीम खान उसके बाद रात रात भर टमटम पड़ाव पर खड़ा रहा, लेकिन वो मौलाना फिर से उसे कभी नहीं मिले। दरोगा जी के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कई बार अदृश्य हाथों से थप्पड़ मारकर मुंह लाल कर दिया गया। उन्होंने कान पकड़ा कि अब कभी बिना जांचे परखे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, अपना तबादला कहीं और करा लिया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ रात्रि।